यहाँ पे ये समस्या है, हमारे कपड़े भी गंदे होते हैं। यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ पर लड़कियाँ गिर जाती हैं, बताते हैं लेकिन सर को भी बताते हैं लेकिन सर जो कहते हैं अभी बन जाएगा। हमने आरी के सरपंच से कहा था कि यहाँ पर पानी भरा है, इसको साफ करवाए। वो कह रहे थे ठीक है, पर उन्होंने साफ नहीं करवाया। आपको यह नज़ारा देख के कैसा लग रहा है? यह कोई पानी में साइकिल दौड़ नहीं हो रही, यह तो वो भारत का भविष्य है जिसके सशक्तिकरण के सरकारें लाख दावे करती हैं, लेकिन दावे और वायदे जमीनी धरातल पर फेल हैं। आपको जो ये बच्चियां दिखाई दे रही हैं, ये नौनहरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं हैं। स्कूल जाने वाले एकमात्र रास्ते में काफी समय से पानी भरा हुआ है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। रोजाना बच्चियों को इस दलदल में से निकलना पड़ता है या खेत की मेड़ से गुजरना पड़ता है। कई बार बच्चियां इस पानी में और मेड़ से गिरकर चोटिल हो चुकी हैं, लेकिन इनकी चोटों से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? गिरेंगी, उठेंगी, फिर स्कूल पहुंचेंगी। शायद यही मंत्र यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने अपने मन में सोच रखा है। अभी सरपंच से लेकर शिक्षा विभाग और उपखंड सैंपो के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी है। मेरा नाम सुमन है। जहाँ पर पानी भरा रहता है और कोई इसको साफ नहीं करवा रहा, हमने आरी के सरपंच से कहा था कि यहाँ पर पानी भरा है, इसको साफ करवाएं। वो कह रहे थे ठीक है, पर उन्होंने साफ नहीं करवाया और कई लड़कियाँ इसमें गिर भी गई हैं और ये साफ नहीं हुआ है। और हम सर से भी कहते हैं, सर कहते हैं कि हम साफ करवा देंगे, पर अभी तक साफ नहीं हुआ है। इस नाली की वजह से हम निकल नहीं पाते हैं और बहुत सारी लड़कियाँ गिर जाती हैं। और सरपंच से भी हमने कहा था, पर उन्होंने हमारे कहे को अनसुना कर दिया, उन्होंने साफ नहीं करवाया। ये बहुत दिनों से, एक साल से हो चली। यह तो इन बच्चियों का जज्बा ही है कि कीचड़ में गिरते पड़ते भी स्कूल पहुंच रही है। सरकार ने बच्चियों को स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल तो दे दी, अब सरकार एक एक नाप भी दे दे जिससे बच्चियां इस दलदल को पार कर आसानी से स्कूल पहुंच सके। अगर आपको इनका दर्द सुनाई नहीं देता तो सुनिए क्या है इनके मन में। मेरा नाम वर्षा है जी। यहाँ पे रोजाना करती हैं तो हम परेशान होते हैं बहुत। पे नाल पानी भर रहा है ना, जो हम करते हैं तो पानी गंदा होता है, तो हम गिर भी सकते हैं। मेरा नाम शशि है। हमारी ये परेशानी है क्योंकि ये रास्ता खराब हो रहा है, पानी भरा हुआ है पूरी सड़क पर, ये किसी निकाला जाए तो अच्छा हो जाए। पानी भरा है, यहाँ पर लड़कियाँ गिर जाती हैं। कैसे निकलते हैं फिर? ऊपर है ये मैट है, इस पर